General Observer Shri Satyendra Kumar Singh, IAS, Worthy Deputy Commissioner Shri Basirul Haq Choudhary, IAS, Worthy Senior Superintendent of Police Dr. Vinod Kumar, IPS, Respected ASP Saab, Khalid Saab, Respected District Officers and Officials, Chairman, Rilumban yang fans PD saksoban yang koren koren cik chunagun yang desa. This campaign is aimed at making India a clean India by 2nd October 2019. Cleanliness. Cleanliness of surrounding areas and environment is necessary for social and intellectual health. It is all... ...sigi taraf la... ...najasat na thakhri duk zare... ...sahma... ...libas go na duk zare... ...rgo sahma bas juk zare... ...insan skya chik... ...kola husul tangit... ...insan chhazanam... ...kola husul tangit ghar zare... Kamai kemana yaran amana yaret sama din pusang bayan basi otang. Insan na hewan e farak kudyaoi. Insan na hewan e farak kudyaoi de insan po insanin. Ki kol di dunia tika safai na nyambo zindagi betam. Miki ot busa bunun yantana pegam pa ilwarna men. पोल्यूटर रहेगा, पानी गंदा रहेगा, हवा गंदी रहेगी, मिट्टी गंदी रहेगी, उससे क्या है कि बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलने से इसका डायरेक्ट इफेक्ट है लॉन्जिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, और हमारी जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, या मुजस्मे खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी उस्ताद की मेहनत की वजह से। जब रसूल पाक सल्लम को वही नाजिल हुई तो सबसे पहले यही हुक्म हुआ कि पढ़ अपने रब के नाम से। किसी ने यह नहीं कहा कि इस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है। तो इल्म का जो तकाजा है कि जब नबियों के उस्ताद जो है वो अल्लाह खुद है, तो हम जैसों के उस्ताद तो हमारे बीच में मौजूद है और ना जाने और कितने तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है, मेरे हिसाब से एज अ पर्सनल जाती मेरा ये मानना है कि इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तरीके से लॉन्च करेंगे और ये इस तरीके से इतने नेगलेक्टेड इशू को इतना प्रोमिनेंट बना करके और इतना इम्पॉर्टेंट बना करके इस जिले में पेश करेंगे और उसको लागू भी करा देंगे, इसकी हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ बसीरुल हक साहब को जो इतने कम समय में इतने अच्छी वो जो है इतनी अच्छी गैदरिंग के साथ और इतने अच्छे हार्ड प्रोसेस के साथ इस काम को किया। मैं विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ शेख नजीर मेहदी साहब को, जो कि एक रिलीजियस लीडर भी हैं, और शेख मोहम्मद हुसैन साहब को, ये भी एक रिलीजियस लीडर हैं, जिन्होंने कि इस माहौल को बनाने में अपनी पूरी भूमिका अदा की, और मोदी ने जिन्होंने बहुत सहयोग करके इस फंक्शन को एक खूबसूरत फंक्शन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनका भी मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी जितने भी जिनका मैंने नाम लिया नहीं लिया, यहाँ से शायद मैं मिस कर गया होगा, इन तमाम लोगों का मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह श्री बसीरुल हक चौधरी की जानिब से आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा।